सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे इम्प्रो के एक प्रोफेशनल बेस के बारे में। ये बेस काफ़ी अच्छा बेस है एंड इसको बंगाली में टीबीन बेस बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस बेस का स्पीकर जो है नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ किया हुआ रहता है, इस वजह से इसका बेस का फील काफ़ी अच्छा आता है एंड बेस का जो वाइब्रेशन है ना वो भी काफ़ी अच्छा फील होता है। इसका बेस के स्पीकर नीचे की तरफ किया हुआ है, इस वजह से ज़मीन की तरफ जाकर बेस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से इसका बेस का फील काफ़ी अच्छा आता है। तो इस बेस के ऊपर फुल डिटेल्स में बात करेंगे प्राइस के साथ, तो वीडियो लास्ट तक फुल वॉच कीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेस के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर साइड में इम्प्रो का लोगो आप देख सकते हो, हैंडल भी दिया हुआ है एंड स्पीकर इसका जैसे कि पता है नीचे की तरफ किया हुआ है ज़मीन की तरफ, नीचे से काफ़ी बड़ा सा एयर गैप भी दिया हुआ है। तो चलिए स्पीकर के या फिर जो बेस है बेस का स्पेसिफिकेशन भी आपको बताया जाए। तो अभी बात करें अगर बेस के कुछ स्पेसिफिकेशन, तो मेन स्पेसिफिकेशन ही आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेस का मॉडल नंबर है SC1188। बात करें अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो बेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 48 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक। बेस का इम्पीडेंस की अगर बात की जाए तो 8 ओम्स इम्पीडेंस आपको मिलता है एंड इस बेस का RMS पावर है 2000 वाट का एक बेस है। तो काफ़ी अच्छा साउंड भी मिलेगा, पंच भी मिलेगा, वाइब्रेशन भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 2000 वाट पीक पावर है इसका, 4000 वाट 5 मिनट के लिए झेल सकता है 4000 वाट को ये बेस, उसके बाद ये जल जाएगा। तो आप 4000 वाट बिल्कुल भी मत दीजिए, 2000 वाट देकर ही चलाइए। एंड उसके बाद सेंसिटिविटी की बात करें तो 100 dB है सेंसिटिविटी। कनेक्शन के लिए इसमें आपको 2 स्पीकर पोर्ट मिल जाएंगे एंड लो यहाँ पर देख सकते हैं 18 इंची का एक स्पीकर लगा हुआ है, वॉइस कॉल है 5 इंची का। बात करें अगर एक बेस की वेट, तो लगभग 50 kg है एक बेस का वेट। और एक बात भी बता देता हूँ, कल के वीडियो में मैंने इम्प्रो के टॉप का वीडियो बनाया था, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा वो वाला वीडियो, इम्प्रो के प्रोफेशनल टॉप। तो आप लोग चाहते हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं लोड कैलकुलेशन की। तो फर्स्ट में बात करते हैं यहाँ पर 2 बेस के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर लगेगा। तो यहाँ पर 2 बेस के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं हमारा बेस, क्योंकि यहाँ पर 2000 वाट का RMS पावर का बेस है, तो आप यहाँ पर 1700 से लेकर 2000 तक जा सकते हैं एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो एम्पलीफायर आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे NX ऑडियो का MT1601 एम्पलीफायर ले सकते हैं, उसमें 1700 वाट मिलता है 8 ओम्स पर। तो एक एक चैनल पर आप एक एक बेस काफ़ी आराम से चला सकते हैं। और बात करें अगर दूसरा एम्पलीफायर की, तो आपको ज़ाइफा लैब्स का Z सीरीज़ देखना चाहिए। ज़ाइफा लैब्स का Z सीरीज़ में जो Z7 एम्पलीफायर आता है, वो वाला एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। उसमें 8 ओम्स पर चैनल 2100 के आउटपुट हमको मिलता है 8 ओम्स पर। तो पर चैनल आप यहाँ पर ज़ाइफा लैब्स के Z7 में एक एक चैनल पर एक एक बेस काफ़ी आराम से चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी भी आपको मिल जाएगा। एंड बात करें अगर यहाँ पर टोटल 4 बेस चलाने के लिए, तो 4 बेस के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ज़ाइफा लैब्स का ही जो Z8 एम्पलीफायर आता है, वो वाला एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। उसमें 4 ओम्स पर चैनल 4000 करके आउटपुट मिलता है, मतलब कि एक चैनल पर 4 ओम्स में 4000 आउटपुट, दूसरे चैनल पर भी 4000 आउटपुट। तो आप यहाँ पर एक चैनल पर 2 बेस आप लगा सकते हैं और दूसरे चैनल पर भी और 2 बेस चला सकते हैं, काफ़ी अच्छे से साउंड क्वालिटी भी मिल जाएगा। और कल के वीडियो में मैंने दिखाया था इम्प्रो का एक प्रोफेशनल टॉप के बारे में बताया था कल के वीडियो में प्राइस के साथ, और आपको अगर वो वाला वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर अभी देख लीजिए। तो अभी बात करते हैं इस बेस के परफॉर्मेंस। अभी बात करें अगर इस बेस को आप लाइव के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर डीजे के लिए, तो इस बेस को आप डीजे प्रोग्राम के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ये वाला बेस आपका 2000 वाट का बेस है एंड 5 इंची की वॉइस कॉल के साथ आता है, तो वाइब्रेशन एंड पंच काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। एंड इसका कैबिनेट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके आप इसको डीजे प्रोग्राम के लिए यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस बेस के प्राइस की। तो अभी बात करें अगर इस बेस का प्राइस, तो इस बेस का प्राइस है 46,000 रुपये, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। आऊ जाके एक डुअल बेस का ही प्राइस है 46,000 और इम्प्रो के इस बेस का प्राइस है 46,000 एक सिंगल बेस का, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। एंड इस बेस को आप डीजे प्रोग्राम के लिए यूज़ कीजिए, काफ़ी मस्त साउंड क्वालिटी वाइब्रेशन भी आपको मिल जाएगा। एंड इम्प्रो के प्रोफेशनल टॉप का वीडियो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, तो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।